नमस्कार दोस्तों, कई बार हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारा सेविंग अकाउंट एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैंने इस एप्लीकेशन फॉर्म में बताया है कि आपको किस तरीके से वो एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरना है। जब आप ब्रांच विजिट करने जाएँ तो आपके पास आधार कार्ड की कॉपी, ब्रांच का नाम जिस ब्रांच में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और ब्रांच का कोड। एक चीज़ याद रखें, आप एक शहर में काफ़ी सारी ब्रांचें हो सकती हैं, इसलिए बेटर होगा कि आप जिस ब्रांच में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं वहाँ का ब्रांच कोड आपके पास ज़रूर हो। आइए लाइव डेमो देखते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं कि खाता स्थानांतरण कैसे करें। तो सबसे पहले, अगर आपका खाता भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में SBI में है और आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में अपना खाता ट्रांसफर करना चाहते हैं और आपको SBI ब्रांच में जाना होगा, वहां से एप्लीकेशन फॉर्म SBI का लाना होगा, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो भी आपको लगाने हैं उसके पीछे, और उसको भर के बैंक में जाके सबमिट करवा। तो आइए दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर दिनांक डेट दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर आपकी दिनांक लिख देना है आपको, और दोस्तों डेट भी उसी दिन की लगाना जिस दिन आप बैंक में जाके ये फॉर्म सबमिट करवाएं। और उसके बाद अपना नाम, जो भी आपका नाम है वो भी आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपके अकाउंट नंबर, वो भी आपको यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद अपने पैन नंबर, वो भी आपको यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद अपना एड्रेस, पता जो भी है वो भी आपको यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद आपके अकाउंट से जुड़े हुए कॉन्टेक्ट नंबर या मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद आपके आधार नंबर, वो भी आपको यहाँ पर ऐड करना है। और ऐड करने के बाद जैसे कि आपको अपना खाता ट्रांसफर करवाना है, तो सबसे पहले आपको तो खाता स्थानांतरण करवाना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद उसकी ब्रांच का नाम लिखना होगा, फिर उसके कोड लिखने होंगे आपको ब्रांच के कोड लिखने के बाद आपको अपना यहाँ पर साइन करना होगा। और साइन करने के बाद इसके पीछे आपको अपने डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड वो पैन कार्ड, इन दोनों को इसके पीछे लगाना है और ये फॉर्म आपको बैंक में जाके सबमिट करवाना है। इससे आपका जल्दी जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड।